हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग सम मैट्रिसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड बोर्ड के लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए थे ओके सो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी हैव बीन गिवन एक मैट्रिक्स ए जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है टू एंड हमें एलिमेंट्स का जर्नल फॉर्म गिवन है कि हम कैसे जर्नल फॉर्म से हम मैट्रिक के एलिमेंट्स बनाते हैं वो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया था देन हमें उसके टर्म्स में ए स्क्वायर निकालना है सबसे पहले हमें गिवन है कि मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर टू है स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं टू क्रॉस टू ओके okay? एंड हमें गिवन है कि मैट्रिक्स की जो जर्नल फॉर्म है कि अगर uh, मैं बना देती हूँ रिप्रेजेंटेशन ए वन 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 टू ए टू वन एंड ए टू टू तो उस बेसिस पे हम मैट्रिक्स बनाते हैं कि हमारा ए वन वन आई और जे की वैल्यू इक्वल है तो जीरो अगर नॉट इक्वल है तो वन सो so ये हमारा मैट्रिक्स ए है तो अब हमें ए स्क्वायर निकालना है जस्ट ए स्क्वायर कुछ नहीं है हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है तो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो और मैट्रिक्स मल्टीफिकेशन तो आपको पता ही है कैसे निकालना है सो वन जीरो जीरो एंड वन ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गया सो so, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें गिवन है दो मैट्रिक्स इक्वल है और उसमें कुछ वेरिएबल्स हमें गिवन है एबीसीडी जिनकी हमें वैल्यू निकाल के हमें ये एक्सप्रेशन से है कि इस एक्सप्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी सो लेट्स डू हमें गिवन है कि मैट्रिक्स इक्वल है तो हम उनके एलिमेंट्स को इक्वल पुट करते हैं टू ए प्लस बी मतलब फोर के इक्वल है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई सेकेंड इक्वेशन बनी ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री थर्ड बनी हमारी फाइव सी माइनस डी इज इक्वल टू इलेवन और फोर्थ इक्वेशन बनी फोर सी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ये फोर इक्वेशन बन गई और हमारे पास फोर वेरिएबल्स है तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट टू इक्वेशन में हमें ए और बी गिवन है और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में सी और डी निकला है तो हम पहली दो इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो दूसरी दो इक्वेशन को सोल्व करके सी और डी की वैल्यू निकालते हैं सो लेट्स टू हमें गिवन है टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर तो बी की वैल्यू फोर माइनस टू ए पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में ओके okay, ये हो गया ए ए अब हम ए को टू में पुट करते हैं ए माइनस टू बी हमें गिवन है माइनस थ्री ए माइनस टू हमें बी क्या है फोर माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस थ्री विच स ए माइनस एट प्लस फोर ए इज़ इक्वल्स टू माइनस थ्री तो ए फाइव ए इज़ इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस एट ये हुआ फाइव तो ए की वैल्यू आई वन अब ए की वैल्यू वन आई तो अब इसमें हम पुट करेंगे तो फोर माइनस टू वन फोर माइनस टू विच इज टू तो ये हमारी बी की वैल्यू है बी हमारा टू आया ए वन आया तो so अब हम दोनों दु, थोड़ा फोर्थ इक्वेशन सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास फाइव सी माइनस डी इज इक्वल टू इलेवन तो हमारी d की वैल्यू हुई फाइव सी माइनस इलेवन एक ये हमने इक्वेशन बी ली अब हमें फोर्थ इक्वेशन की बनती फोर सी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो अब हम इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फोर सी प्लस थ्री फाइव सी माइनस इलेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर फोर सी प्लस फिफ्टीन सी

तो सी की वैल्यू आई हमारी थ्री ओके सी की वैल्यू थ्री आ गई हमारी अब डी निकल जाएगा तो डी की वैल्यू हुई फिफ्टीन माइनस इलेवन तो डी की वैल्यू हुई फोर तो अब हमारी ए बी सी डी की वैल्यू आ गई हमें इक्वेशन क्या निकाली थी लिखते थे ए प्लस बी माइनस सी प्लस टू डी तो ए की वैल्यू थी हमारी वन प्लस बी की वैल्यू थी टू माइनस सी की वैल्यू थी हमारी थ्री और d की वैल्यू थी फोर तो इट इज थ्री माइनस थ्री प्लस एट तो थ्री और सी कट गए तो एट आ गई हमारी वैल्यू तो एट हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है जिनका ऑर्डर एक का मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस एन और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस फाइव तो हमें बताना है कि हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी है जो हमारा फाइव ए प्लस थ्री बी से निकलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो जब मैंने आपको आई होप आपको पता होगा जब हम मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन होती है मैट्रिक्स एडिशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक प्री रिक्वेस्टेड होता है कि जो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तो अगर हम मैट्रिक्स सी को ऐड कर रहे हैं ए और बी सी मैट्रिक्स को हम निकाल रहे हैं एज एन रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन तब इसका मतलब क्या है कि हमारा मैट्रिक्स एडिशन में ऑर्डर जो होता है दोनों मैट्रिक्स का जो दो मैट्रिक्स हम लेते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तो मतलब इस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होना चाहिए क्या ऑर्डर तो इसका मतलब है थ्री क्रॉस एन जो है वो हमारा एम क्रॉस फाइव के इक्वल होना चाहिए इसका क्या मतलब है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी का क्या ऑर्डर आएगा सी का मैट्रिक्स होगा ऑर्डर थ्री क्रॉस फाइव जहां पे एन की वैल्यू होनी चाहिए फाइव और एम की वैल्यू होनी चाहिए थ्री थ्री क्रॉस फाइव ओके सो ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ ए हमें गिवन है और एक और हमें गिवन है कि के ए जो है वो हमारा इस मैट्रिक्स से इक्वल है तो हमें के ए और बी की वैल्यू निकालनी है ओके सो पुट करते हैं हमें गिवन है के ए जो है वो जीरो थ्री ए टू बी और ट्वेंटी फोर के इक्वल है अब हमें ए तो ऑलरेडी गिवन है तो ए हम पुट कर देते हैं जीरो टू थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो थ्री ए टू बी और ट्वेंटी फोर अब के को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आया जीरो टू के थ्री के माइनस फोर के इज इक्वल टू जीरो थ्री ए टू बी एंड ट्वेंटी फोर अब हम पुट करते हैं हम पहले के की वैल्यू निकालते हैं के की वैल्यू निकल जाएगी इनसे तो माइनस फोर के की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फोर के इक्वल तो के की वैल्यू क्या आई माइनस सिक्स ओके अब हम ए की निकालते हैं हमें गिवन है टू के जो है वो थ्री ए के इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या हुई टू के बाय थ्री टू माइनस सिक्स और थ्री माइनस फोर तो ए की वैल्यू क्या आई माइनस फोर अब बी की निकालते हैं अब इससे हमारा बी निकल जाएगा कि थ्री के जो है वो टू बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू क्या हुई थ्री के बाय टू थ्री माइनस सिक्स है के की वैल्यू टू और ये टू तो माइनस सिक्स के की वैल्यू आई माइनस नहीं एक मिनट सॉरी थ्री के के की जगह मैंने पुट किया माइनस सिक्स हमारी निकली थी और नीचे टू है तो यहां थ्री आएगा, थ्री की टेबल में टू, थ्री होता ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है हमें फोर्टीन ए इनवर्स निकालना है तो Uh, मैं आपको ये बताना चाहती हूं जैसे कि हम मैट्रिस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो मैट्रिस में इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं जब आप डिटर्मिनेट्स पढ़ोगे तो डिटर्मिनेट्स में आपको बहुत ईजी वे आएगा और क्विक वे होगा कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिस का सिंस हम मैट्रेसिस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व हैं तो मैं आपको उस मेथड से कर लूंगी अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट का करेंगे उसमें भी आपको एक बार करके दिखा दूंगी कि ईजी वे से कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं ओके okay, सो so हमें गिवन एक मैट्रिक्स ए थ्री माइनस वन वन टू तो अब हमें ए इन्वर्स निकालना है तो मैं यूज करती हूं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो रो ऑपरेशन में मैंने सबसे पहला स्टेप बताया बताता कि ए इज इक्वल टू आई ए हम लिखते हैं ए की मैट्रिक्स हमें गिवन है थ्री माइनस वन वन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है वन जीरो जीरो वन और ए अब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है और क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है फिर जो ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारा ए इनवर्स होगा तो सबसे पहले क्या, क्या करना है हमें थ्री को वन करना है तो हम क्या करते हैं पहला ऑपरेशन आर वन आर वन प्लस थ्री आर टू तो इससे क्या आएगा हमारा जीरो सेवन माइनस वन और टू तो सेम रहेंगे अब इधर भी करते हैं ये वन ही रहेगा और ये थ्री हो जाएगा ठीक है पहला स्टेप हुआ हमारा अब हमें इसको वन करना है नहीं अब हमें पहले स्टेप में इसको क्या करना है इसको हमें करना है जीरो एक मिनट आर वन प्लस थ्री तो ये वन होगा जीरो नहीं होगा सॉरी ये वन होगा अब हमें क्या करना है हमें इसका जीरो करना है तो जीरो कैसे करेंगे हम हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आर टू टेंस टू तो आर टू प्लस आर वन तो क्या आएगा हमारा हमारा आएगा वन तो सेम रहेगा आर वन वन और सेवन और इधर क्या होगा हमारा इधर होगा हम ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये होगा हमारा नाइन जीरो और नाइन सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहेगा हमारा वन और थ्री तो रहेगा फर्स्ट टर्म में इधर हमें जस्ट एडिशन करनी है तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म हमारी फोर हो जाएगी वन और फोर और ये ए तो हमारा फर्स्ट कॉलम तो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बन गया अब हमें नाइन को वन बनाना है तो क्या करना है हमें आर टू को आर टू को हमें वन बाय नाइन से मल्टीप्लाई करना है तो वन जीरो सेवन और ये वन और ये हुआ हमारा वन थ्री ये हुआ वन बाय नाइन और ये हुआ हमारा फोर बाय नाइन ओके अब नेक्स्ट है हमारा हमें इसको जीरो करना है तो हमें जीरो कैसे करना है हमें कुछ नहीं करना बस हमें आर वन को आर वन प्लस माइनस सेवन आर टू करना है तो क्या होगा ये तो हमारा वन जीरो सेवन को आप करोगे तो सेवन यहाँ पे ये यह सेवन होगा क्योंकि यहाँ पे आर टू वन है तो सेवन माइनस सेवन जीरो हो जाएगा और इधर जब आप करोगे तो आर वन है वन और वन माइनस सेवन वन बाय नाइन तो ये आपका टू बाय नाइन आएगा सिमिलरली थ्री माइनस सेवन फोर बाय नाइन तो ये ट्वेंटी एट बन जाएगा और ट्वेंटी एट और यहाँ पे जब आप करोगे तो थर्टी होगा तो आपका टू बाय नाइन का ओके ये वन बाय नाइन हो जाएगा ये वन बाय नाइन और ये फोर बाय नाइन और ये ए तो आपका ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये आपका हुआ ए इनवर्स ठीक है तो अब आपका ए इनवर्स आया ए इनवर्स हुआ आपका टू बाय नाइन वन बाय नाइन वन बाय नाइन फोर बाय नाइन ठीक है अब आपको फोर्टीन ए इन्वर्स करना है तो आपको कुछ नहीं करना आपको बस इस मैट्रिक्स को फोर्टीन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका फोर्टीन ए इन्वर्स निकल गया सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट हमें गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें हमें गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू ए है तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है क्या एक्सप्रेशन वन प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस सेवन ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना जिस सॉल्व करना है तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो आपको ए प्लस बी क्यूब की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है तो आपको बताओगे ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर तो आपको क्या करना है आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री आई ए स्क्वायर प्लस थ्री आई स्क्वायर ए माइनस सेवन तो अब आई क्यूब वैसे ही रहेगा प्लस ए क्यूब रखते हैं प्लस थ्री आई ए स्क्वायर की आपको पता है क्या गिवन है कि वो ए के ही इक्वल है तो यहां हम ए स्को की जगह ए पुट कर देते हैं प्लस थ्री अब आपको पता है कि आई स्क्वायर जो होता है वो आई के इक्वल होता है सिमिलरली आई क्यूब तो आई की कुछ भी पावर होती है एन वो हमेशा आई के ही इक्वल रहते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है तो आपको क्या करना है आई स्को की जगह आप पुट कर सकते हो तो थ्री आई ए माइनस सेवन ए ओके नेक्स्ट स्टेप आपके पास आई क्यूब को आप आई लिख सकते हो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया प्लस ए क्यूब रहते हैं इसको और थ्री इंटू आई को जब आप ए के साथ मैट्रिक्स मैट्रिक, के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स हमें दे देता है तो ये हुआ थ्री ए सिमिलरली थ्री ए माइनस सेवन एके ये हुआ आय अब हम ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ना ए क्यूब को और ये ऐसे लिखा थ्री ए प्लस थ्री ए सिक्स ए माइनस सेवन ओके अब हमें आई प्लस ए स्क्वायर का मैंने आपको बताया था ए हो सकता है तो हम इसको ए लिख देते हैं इंटू ए प्लस सिक्स ए माइनस सेवन ओके अब आई प्लस ए इंटू ए ए स्क्वायर ये हम इसको सॉल्व कर देते सिक्स ए माइनस सेवन ए माइनस ए हो जाएगा ओके okay? अब I प्लस अब ए को दोबारा हम ए के इक्वल लिख देते हैं ए माइनस ए ए और ए कट गया तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आपका आंसर आया तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो I के इक्वल है ओके सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए थे इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन जो आपको आंसर मैंने सोल्यूशन बताया उसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस आपको कोई भी मैटर से सब्जेक्ट चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आपने जैसे रिविजन करी हो आपको नहीं समझाया तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके वो उसके सोल्यूशन बता दूंगी ओके सो आई होप दिस इज क्लियर Please don't forget to like the video and subscribe to the channel in case you haven't done it yet. Thank you so much.